नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आईटी ज्ञान में। दोस्तों इस हफ्ते का टेक अपडेट लेके एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं इस हफ्ते का टेक अपडेट। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की जो सबसे पहली अपडेट है वो है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो ने अपना M4 Pro फोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसके अनाउंसमेंट आपको पता चल गया होगा MWC 2022 में ओप्पो ने कर दिया था। अब ये इंडिया में अवेलेबल है परचेज के लिए और आपको ये फ्लिपकार्ट पे ये फोन मिल सकता है। और अगर इस फोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको मिलता है MediaTek Helio G96 का चिपसेट और उसके साथ ही आपको अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.43 इंच का डिस्प्ले फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। और ये अलग अलग वेरिएंट में आता है 6GB प्लस 64GB, 6GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 256GB। और इसमें जो स्टोरेज आती है उसे आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग कलर में आता है, येलो, ब्लू, ब्लैक, इस तरह के कलर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और डिवाइस में अगर कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें आपको मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलता है और उसके साथ ही 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलता है। और सेल्फी के कैमरे की बात करें यानी कि फ्रंट कैमरे की बात करें तो वो 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों, तो ये 6GB प्लस 64GB का जो वेरिएंट है उसका प्राइस 14,999 का आता है। 6GB प्लस 128GB का जो वेरिएंट है उसका प्राइस 16,499 आता है। और जो इसका टॉप वेरिएंट है 8GB प्लस 256GB उसका प्राइस होता है 17,999 रुपए। और इन सब पे आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप HDFC का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं परचेज के टाइम पे फ्लिपकार्ट से। दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो व्हाट्सएप की तरफ से अपडेट है। दोस्तों पिछले एक दो महीने में हमने जब भी वीडियो बनाया है ज्यादातर टाइम पे व्हाट्सएप का कोई ना कोई अपडेट आया है और उसको हमने अपने टेक अपडेट में रखा है। व्हाट्सएप की तरफ से इसी कड़ी में एक नया फीचर आने वाला है जिसका डेवलपमेंट चल रहा है, अनाउंस तो अभी तक नहीं हुआ है लेकिन ऐसी खबरें आई है कि व्हाट्सएप उस पर काम कर रहा है और बहुत ही जल्द ये फीचर देखने को मिल जाता है। और ये फीचर दोस्तों है आपका पोल का। व्हाट्सएप में कुछ समय के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोल का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे ये होगा कि अगर ग्रुप में कोई आप पोलिंग कराना चाहते हैं, कुछ वोटिंग कराना चाहते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं इस तरह का, तो आप एक पोल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें जो मेंबर्स होते हैं बाकी के मेंबर्स वो उस पर अपना वोट कर सकते हैं और आपको एक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस फीचर पे अभी व्हाट्सएप काम कर रहा है और आने वाले टाइम में ये फीचर मिल जाएगा। और मुझे जहां तक उम्मीद है जिस तरह से व्हाट्सएप काम कर रहा है ये फीचर बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप एक और फीचर पे काम कर रहा है दोस्तों, जो कि है फोटो ब्लर टूल। एक्चुअली जब आप फोटो शेयर करते हैं तो उस टाइम पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप उस फोटो में कोई भी पार्ट है, कुछ भी है, उसे ब्लर करना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसी चीजें जो आप दिखाना नहीं चाहते तो आप उसे ब्लर करके आगे भेज दीजिए तो वो हाइड हो जाएगा। तो ये भी आने वाला है, ये भी पाइपलाइन में है व्हाट्सएप में, तो बहुत ही जल्द ये फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट है रियलमी की तरफ से। रियलमी ने अपना एक बजट फोन लॉन्च किया है C35, जो कि एक काफी कहेगी एंट्री लेवल फोन है और जिसका प्राइस शुरू होता है 11,999 रुपए से। फोन दो वेरिएंट में आता है, 4GB प्लस 64GB और 4GB प्लस 128GB, तो दो ही वेरिएंट इसके देखने को मिलते हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये 12 मार्च से फ्लिपकार्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा, अवेलेबल हो चुका है फ्लिपकार्ट पे, आप इसे देख सकते हैं। और फोन का डिजाइन काफी हद तक आईफोन 12 की तरह दिया गया है। फोन काफी स्लिम है और काफी अच्छा है ऐसा बताया जा रहा है। फोन दो कलर में आता है, ग्लोइंग ग्रीन और ग्लोइंग ब्लैक, तो काफी अगर आप इमेजेस देखेंगे तो फोन आपको देखने में काफी अच्छा लगेगा, इसके कलर वगैरह काफी अच्छे हैं। फोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें 6.6 इंच का डिस्प्ले LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है। और इसमें जो आपको सॉफ्टवेयर मिलता है वो 11 एंड्रॉइड 11 मिलता है रियलमी UI के साथ। और इसकी जो फोन की बैटरी है वो 5000 mAh की बैटरी है। इस फोन के हिसाब से 5000 mAh बैटरी काफी अच्छी है और साथ ही आपको मिलता है 18 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट। किसी फोन की बात करें और उसमें कैमरे की बात ना करें ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो इस फोन में कैमरा ट्रिपल कैमरा दिया गया है, जो कि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिल जाता है और 0.3 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा मिल जाता है। और सेल्फी की बात करें तो सेल्फी के लिए आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा साथ में मिल जाता है। दोस्तों अगली अपडेट है सैमसंग को लेकर। सैमसंग ने अपना सस्ता 5G फोन लॉन्च किया है, जो कि है गैलेक्सी F23 गैलेक्सी F22 का अपग्रेड वर्जन है, जो कि लास्ट ईयर आया था और ये काफी अच्छा और काफी पसंद किया गया। लेकिन इस बार जो फोन है इसको प्राइस काफी अच्छा और फीचर भी काफी अच्छे हैं, तो ये ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर फोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, जो कि आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है और साथ ही आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन तो मिलता ही है। और साथ ही आपको इसमें बताएं तो इसमें परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर दिया गया है। और सैमसंग ने बताया कि इस फोन में आपको 2 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा और 4 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलता रहेगा। और साथ ही इसमें पावर की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई, जो इस फोन को जबरदस्त बनाती है। फोन सपोर्ट करता है 25 वॉट चार्जिंग को। और इसके अलावा अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G 4G LTE Wi-Fi ब्लूटूथ ये सारी कनेक्टिविटी मिलती है, सी टाइप कनेक्टर और ये सारी जो बेसिक चीजें होती है वो सब तो आपको साथ में मिलते ही है। और इसके अगर कैमरे का सेटअप की बात करें तो इस कैमरे में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है और जो तीसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिल जाता है। और सेल्फी के लिए आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और इसमें आपको फोटोग्राफी और वीडियो काफी अच्छा देखने को मिल सकता है।
गैलेक्सी F23 5G फोन के प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये दो वेरिएंट में आता है। आपको बता दें कि 4GB प्लस 128GB का जो फोन है उसकी कीमत 17,499 रुपए रखी गई है। वहीं 6GB प्लस 128GB का जो वेरिएंट है उसकी कीमत 18,499 रुपए रखी गई है। ये फोन आपको मार्च 16 को देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे। फोन के साथ ही आपको YouTube प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है 2 महीने के लिए बिल्कुल मुफ्त। दोस्तों अगली खबर नोकिया की तरफ से, नोकिया ने अनाउंस किया है कि वो अब कोई भी फ्लैगशिप फोन नहीं लाएगा और वो अपना जो फोकस है वो रखेगा मिड रेंज के फोन पे। तो आपको बता दें कि उनका जो एक फोन था नोकिया प्योर व्यू, उसका जो सक्सेसर की बात कर रही थी वो सक्सेसर नहीं आएगा, बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। और नोकिया ने बताया है कि अब वो मिड रेंज के फोन पे ज्यादा फोकस करेगा और कोई भी इस तरह के बड़े और फ्लैगशिप फोन नहीं लाएगा। नोकिया का जो आखिरी फ्लैगशिप फोन था वो नोकिया 9 प्योर व्यू फोन था जो कि 2019 में HMD ने निकाला था। उसके बाद कोई भी ऐसा फ्लैगशिप फोन आया नहीं है और अब आएगा भी इस कंफर्मेशन के बाद। नोकिया फोकस कर रहा है कि वो मिड रेंज पे काम करेगा और जो कस्टमर ज्यादा है मार्केट में उन्हें ज्यादा कैप्चर करेगा। दोस्तों आखिरी अपडेट है एप्पल की तरफ से। आपने मेरे अगर टेक अपडेट देखे तो हमने आपको बताया था कि एप्पल की तरफ से iPhone SE 3 आने वाला है जिसकी कीमत हो सकती है 20,000-25,000 के आसपास रहे। तो एप्पल का इवेंट हो चुका है, एप्पल ने 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिसमें से iPhone SE 3 भी था और इसका प्राइस स्पेसिफिकेशन सब कुछ पता चल गया है। लेकिन जो लोगों को उम्मीद थी कि 20,000-25,000 रुपए तक आईफोन आएगा ऐसा नहीं हुआ है, उन्होंने प्राइस इस रेंज में बिल्कुल नहीं रखा है और इसका प्राइस काफी ठीक ठाक रखा है। तो अगर जो उम्मीदें थी हम जैसे लोगों की सस्ता फोन आएगा एप्पल का और ले पाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर बात करें कि एप्पल ने कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किया तो iPhone SE 3 तो लॉन्च किया ही है, इसके साथ ही iPad Air और Mac Studio लॉन्च किया है। एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले iPhone SE के बारे में बात करते हैं। एप्पल ने इस फोन को लॉन्च किया है और इसकी जो कि मार्केट में काफी चर्चा थी, 18 मार्च से ये इंडिया में मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको मैंने पहले बता दिया कि सैमसंग ने इसमें यूज किया है A15 बायोनिक चिप जो कि iPhone 13 में भी देखने को मिलती है सेम रेंज में। और इसकी जो प्राइस की बात करें तो ये आपको मिलेगा लगभग 32,000 रुपए का या उससे भी ऊपर हो सकता है। तो 32,000 रुपए तक का आएगा इंडिया में इस तरह का अभी तक जो कि प्राइस उन्होंने अनाउंस किया है डॉलर में, उसको अगर कन्वर्ट करके बताया जाए तो इस रेंज में हो सकता है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है प्राइस के मामले में। और आपको पहले बता दिया था कि ये एक 5G फोन होने वाला है और कैमरे की बात करें तो 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होने वाला है। फोन काफी दमदार है लेकिन प्राइस रेंज कम होने वाला था जिस जो खबरें आ रही थी, बट वैसा कुछ हुआ नहीं है। एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि है iPad Air। इसी खास बात यह है कि ये भी 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है और इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसमें M1 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है जो कि 8 core CPU के साथ सपोर्ट करता है। और iPad Air की बात करें तो इसमें एप्पल का सेकंड जनरेशन का पेंसिल दिया गया है साथ में जो कि काफी अच्छे से काम करता है। कंपनी का दावा है कि iPad 100% रिसाइकलेबल एल्युमिनियम से बनाया गया जो कि नेचर फ्रेंडली है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये दो वेरिएंट में आता है, 64GB का वेरिएंट है और 256GB का वेरिएंट है। इसके ऑनलाइन ऑर्डर शुरू हो चुके हैं और अगर आप प्राइस की बात करें तो इसका जो 64GB का वेरिएंट है उसका प्राइस 46,000 रुपए है और जो इसका टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस कम से कम 55,000 के आसपास जाने वाला है। और जो आखिरी प्रोडक्ट एप्पल ने लॉन्च किया है वो है इनका स्टूडियो, मैक स्टूडियो। ये काफी शानदार डेस्कटॉप पे इन्होंने लॉन्च किया है और इसकी स्पेसिफिकेशन भी काफी जबरदस्त है। इसमें M1X और M1 Ultra चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। इस डेस्कटॉप की बात करें तो इसमें आपको 4 थंडरबोल्ट पोर्ट मिलते हैं, पीछे 2 USB पोर्ट मिलते हैं और 2 USB पोर्ट C भी मिलते हैं, साथ ही आपको HDMI पोर्ट भी मिलता है। काफी अच्छे कनेक्टिंग पोर्ट इसमें दिए गए हैं और इसकी बात करें तो इसमें Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करता है। मैक स्टूडियो 32GB रैम के साथ आता है जिसमें 512GB की SSD ड्राइव दी गई है। ये आपको 8TB तक का जो SSD है उसको सपोर्ट करता है और साथ ही 128GB तक का रैम भी सपोर्ट करता है। एप्पल का कहना है कि इसे खासकर साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और म्यूजिशियन ही लोगों के लिए खासकर ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इसकी कीमत की बात करें दोस्तों तो जो M1 चिपसेट के साथ आता है उसकी कीमत कम से कम 1,20,000 के ऊपर है और जो M1 Ultra चिपसेट के साथ आता है उसकी कीमत लगभग 3,00,000 के ऊपर है। तो प्राइस तो काफी जबरदस्त है और जैसे कि उन्होंने पहले कर दिया स्पेशल लोगों के लिए बनाया गया है। बाकी क्या कहें, जो हमारी उम्मीद थी iPhone SE को लेके वो तो पूरी टूट चुकी है। ये सस्ता होने वाला नहीं है, आने वाले टाइम में देखते हैं कि अगर कुछ प्राइस गिरता है या आने वाले फोन सस्ते हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का टेक अपडेट जो कि उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अपडेट तो काफी अच्छे थे लेकिन जिसकी उम्मीद थी iPhone SE 3 की सस्ता आएगा वो तो नहीं आया, लेकिन बाकी अपडेट काफी अच्छे थे। खासकर WhatsApp पिछले कई महीनों से लगातार अपडेट्स लाता जा रहा है और भी कोई अपडेट आएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करके जाइएगा और अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।